समस्त छात्र छात्री मान को मु जज्ञेश न्यू ट्रेंड्स चैनल तरफ आपण मान को आजिकार ज्यामितिर त्रिकोणमिति क्लास को स्वागत करुअछि। आम यह पूर्व पढ़ी त्रिकोणमितिर समस्त सूत्र गुड़िक जहाँ तुम 9th आउ 10th रे सूत्र गुड़िक सबू आम एठारे देखिदेइथिले, टोटाल डिस्कसन भी आमर हो जाइतिला। वर्तमान आज आम आरंभ करिवो सही त्रिकोणमितिर बाकी तक जहाँ रही एग्जाम्पल गुड़िक आम पढ़ा। एग्जाम्पल गुड़िक पढ़ले से अनुजाई आम कौन करवा से अनुशीलन गुड़िक कर। आसतु देखा आज से उदाहरण गुड़िक आम किपर समाधान करवा। उदाहरण गुड़िक समाधान करने पूर्वर प्रथम आम सूत्र गुड़िक मन पकेवा। सूत्र गुड़िक कौन थी? सूत्र शेष जहाँ आमर भैल्यूटेबल थी। भैल्यूटेबल समस्ते प्राक्ट करते निहाती मोर आशा। जदि देखिन ताहले आई बटन को नहीं कर पूर्व वीडियो को देखिन तुम्हें जानीपर। तापर ये वीडियो रे आस तापरवर्ती जदि आम कहवा ता पूर्व आउ किछि फर्मुला भी थिला। से फर्मुलाटा आम जानिथिले जेटा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फर्मुला नहीं, तो से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फर्मुला रे आम भी जानिथिले, सब किछि जानिथिले। तो एही पर अनेक गुडे फर्मुला आम सब पढ़ी सारिछु वर्तमान पर्यंत। ता परवर्ती आम आसीबा उदाहरण को आसीबा पूर्वरु वर्तमान आम एठारे देखिबा डिटेल्स। तो यठार देखिले जापर चतुर्थ अध्याय आम करे त्रिकोणमितिर। तो यठार देख त्रिकोणमितिर जहाँ कि फर्मुला थिला से सबू एठारे पूरा प्रमाण करपरिक मुझे देखे दूसरी एठारे जो अनुप्रह कोणर त्रिकोणमितिक अनुपात आम एठारे बाहर करते फर्मुला गुड़िक जहाँ था sin 90 माइनस थीटा इक्वाल cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वाल sin थीटा, तापर टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा, आउ सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, आउ कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। एपर थिला ए सूत्रटा सूत्र ए आम गत काली पढ़ी थिले ता पूर्व क्लास रे। ता परवर्ती आम देखिबा तापर थिला स्थूल कोणर त्रिकोणमितिक अनुपात थिला अर्थात sin 90 माइनस sin 100 डिग्री माइनस थीटा थिला। सेटा आम देखिथिले जोटा थीटा क्षेत्र में व्यवहार होता। आउ ये सब गुड़िक जानी sin 180 डिग्री इज इक्वाल जीरो, cos 180 डिग्री इज इक्वाल माइनस वन, tan 180 इक्वाल जीरो, cosec 180 डिग्री से संज्ञाहीन था, sec 180 माइनस वन आउ cot 180 डिग्री संज्ञाहीन था। ता परवर्ती देखा यहाँ आम देखिपर ये फर्मुलाटा देख कौन दिखाई। तो ये रहा आमर sin 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल sin थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल माइनस cos थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा, cot 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल माइनस cot थीटा, sin 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा, cosec 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। एठार देखिए ये चारोटी माइनस थिला आ ये दुईटा पॉजिटिव थिला आउ जहाँ जेमिति को सेमिति ठीक अच्छे। तापर 180 डिग्री माइनस थीटा sin 180 डिग्री sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा था, sin 90 प्लस थीटा इक्वल cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस sin थीटा, tan 190 प्लस थीटा इक्वल माइनस cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस cosec थीटा, cosec 90 प्लस थीटा इक्वल टू था आमर sec थीटा। एपरी भाव टोटाल मझार चार्ट माइनस था आ बाकी दुईटा था पॉजिटिव था ठीक अच्छे, नेगेट पॉजिटिव आम जापारे। तो यहपरी आमर था फर्मुला। ताले या गुड़ी को नहीं करी अनेक गुड़े ए डिग्री परिमाप गुड़िक कर तुमको पूर्व क्लास रे बतई सारी साइन टेबुलटा आम टोटाल भाव में डिस्कसन कर सारी पूरा। और तुमने या मन रखि मोर आशा करहाती तुम या मन रखि से आमर कौन थी गोटे जस्ट वन गोटे मिस्टेक होता यहाँ ये भैल्यूटा सेटा थिला √3/2 लिखी देते मुझा हे √3 है जस्ट। ता परवर्ती देखा तो यहपरी उदाहरण आज आम पढ़ा एठारे अच्छी ए उदाहरण गुड़िक उदाहरण 1 उदाहरण 2। तापरवर्ती अच्छी आम देखा नेक्स्ट उदाहरण 3 उदाहरण 4 उदाहरण 3 उदाहरण 4 आउ ता तलकू रही उदाहरण 5। यहपरी 5टी उदाहरण आज आम पढ़ा। तापरवर्ती 6 या पर पढ़ा। तो आस ताहले आम व्हाइट बोर्ड उपर को आस से देखा। वर्तमान मु आपण मानकु एति कहिबी जे भैल्यू टेबलटा भल से मन रखि थांतु। जदि मन रखिन आउ थरे देख तापर वीडियो को आस ताहले तुमे सब किछि जानि पारिबो ठीक अछि। ताले आस वर्तमान आम एही त्रिकोणमितिर फर्मुला गुडी को समाधान करवा। सर्वप्रथम cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री एहीपरी आमको दिया जायछि। सर्वप्रथम यहाँको समाधान करवा। देख ताले समाधान समाधान करला बेले प्रश्न तो एठी दिया जायछि। मो प्रश्न लिखबिनी, सीधा डायरेक्ट उत्तर उत्तर लिखुछि। दैट्स इक्वल वर्तमान एठी आस प्रश्न अछि cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री वैल्यू जानि छ कि नै? sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री वैल्यू जाना अछि, ताले किछि असुविधा नै, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देबा। ताले cos 30 डिग्री वैल्यू एटा हला 0 30 45 60 90 120 135 150 180 एटा तमे जानि छ। तो हमर के दिसि sin cos 30 डिग्री cos ले पटो देखिबा √y/2 ताले एटा हला हमरो फॉर्मूला 30 डिग्री √y/2 अर्थात के √3/2 प्लस sin 60 डिग्री sin एटाला 0 30 45 sin 60 डिग्री केतरे रहला एपटे 3 टी √3/2 एटा भेला √3/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री 0 30 45 60 cos एपट केतरे रहला गोटे √y/2 अर्थात √1/2 √1/2 हेले कोन होबो 1/2 प्लस sin 30 डिग्री एटाला 30 एपटे रहला गोटे √1/2 हेले सही 1/2 हे जेबो। ठीक अछि, ताले वर्तमान एठारे हमें जानिबा को पाइले। दैट्स इक्वल √3/2 + √3/2 केते जेबो 2 √3/2 2 √3/2 होनी जंदा a + a2 ए सेमिति √3 + √3 2 √3 बाय 1 प्लस हाफ केते हबो मोठार कहिछि जदी दु लोक लसा गुटा 2 हि गला ऊपर केते हबो 1 + 1 तो एठी तो कटि जिवो 2 2 कटला ऊपर तले अछि तार ऊपर रहला √3/1 + तले रहला 2 1 जगह 1 2 एटा रे कटला 2/2 कटि गला ताले √3/1 + एटा कटले केते हबो 1 1 रे कटि छि ताले 1 रहिबो ताले केते हला वर्तमान √3/1 + 1 गला 2 ताले आंसर हो गला √3/2। एहि परिवारे हम प्रथम उदाहरणटा बुझिबा को पाहिले केते सहज रे जाउछि किंतु हमें वैल्यूटेबल मन रखिति परछि। ता परवर्ती उदाहरण फिर वर्तमान हमें उदाहरण नंबर 2 रे कोन दिया छि। देखो cos 70 डिग्री बाय sin 20 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री इनटू cosec 35 डिग्री होल डिवाइडेड बाय tan 5 डिग्री इनटू tan 25 डिग्री इनटू tan 65 डिग्री इनटू tan 85 डिग्री रो मान निर्णय कर। तो यार मूल्य बा मान निर्णय करने आमको कहुई प्रश्नटी ऊपर दि जाइए समाधानटा करवा। ठीक अच्छे समाधान कर मु फर्मुला गुड़िक टी मन पकईदे। फर्मुला गुड़ी कौन था? फर्मुला गुड़िक जे आमर ए देख ये गोटे जिनस तुम ध्यान कर जी 70 आउ 20 मिसले के 90 55 प्लस 35 मिसले हो 95 डिग्री प्लस 85 मिसले हो 90 आउ 25 आउ 65 मिसले हो 90। तो आम पढ़ी sin 90 माइनस थीटा फर्मुला पढ़ते नहीं sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आमर थिला cos थीटा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आउ cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा आउ cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। एटा थिला कि सही फर्मुला एठारे लागिवो। आमे थीटा जगह रे वैल्यू दिया अछि 70 अछि एटा को आमे cos 70 कोन करि परबा से अनुसार आमे ताको परिवर्तन कर देबा। cos थीटा रे वैल्यू कोठी अछि sin 90 - थीटा = cos थीटा से वैल्यू एठारे अप्लाई हबो। ठीक अछि, देखो वर्तमान ताहले मु एठारे अप्लाई करछि। क्वेश्चन ता तो अछि समाधान मु तळे करूछि। ठीक अछि, देखो वर्तमान क्वेश्चन रहला ऊपरे ताले गोटे ए दुईटा देखो मिसी कि होछि 90 ए दुईटा भितर गोटे को चेंज करबा ए दुईटा भितर गोटे चेंज करबा ए दुईटा मिसिक 90 ए दुईटा भितर गोटे चेंज करबा ए दुईटा भितर गोटे चेंज करबा। ठीक अछि, ताले वर्तमान देखो फार्मूला गुडी मन अछि sin 90 में एठी देखो फार्मूला आसुथिबो जदी न देखुछ एठी आसुथिबो फार्मूला देखो वर्तमान मु एटा कहूछि। तो वर्तमान एबे आसो cos 70 डिग्री cos को तमे चाहेले cos को भी चेंज करबा बा sin को भी चेंज करबा जहा को चेंज करबा। सपोज मु cos को चेंज करूछि ताले भीतर जोटा गोटे भी चेंज करबा ए दुटा भितर गोटे किबा ए दुटा भितर गोटे। देखो मो एठा रहछि cos 70 डिग्री दुटा मिसी कि 90 होछि अर्थात 70 को मु एमिति लिखि पारबे कि नै 90 - 20 हे कि नहीं कारण 90 रु 20 गले के हुए 70 ताले 90 डिग्री माइनस थीटा ठीक अच्छे ताहले बर्तमान यहाँ देखा तले जिते अच्छे जिते लिखिदेवा गोटे खाली चेंज करवा दुईटा चेंज करवा ना गोटे खाली चेंज करवा sin 20 डिग्री प्लस ये भी देख cos 55 अच्छे एटा चेंज कर ना एटा चेंज कर गोटे चेंज कर सपोज मुझा चेंज करदे ताले cos एटा को 55 को मु कर दूची 90 माइनस 35 90 रु 35 कर लेके तब 55 10 रु 5 वाला 5 8 रु 5 वाला 8 रु 3 वाला 5 इनटू सेटा जति को सेत कि थाओ कोसेक 35 डिग्री और रहला सेटा कोसेक 35 डिग्री होल डिवाइडेड बाय तापर एटा भितर 1 2 3 4 अछि से भितर दुईटा चेंज करबा सपोज मु ए दुईटा चेंज कर जी पर दुईटा सेमिति थाओ हला ताले कौन अच्छी गोटे है 10 5 डिग्री इंटू आ गोटे 10 25 डिग्री ये दुईटा चेंज कर गोटे है 10 65 डिग्री को कौन लिखा 90 माइनस 25 लिखिपर 90 रु 25 काटले के बचुची कटिगले 65 बचुची एटा भी ठीक सेमती 10 90 डिग्री माइनस केते हो 5 डिग्री 90 रु 5 करले केते हो 85 लाइ नै ठीक अछि तापर वर्तमान देखिबा दैट इज इक्वल टू वर्तमान एबे आस cos 90 - थीटा रा वैल्यू कोन cos 90 - थीटा इक्वल sin थीटा ताहले एटा हिजबो sin थीटा जगह 20 डिग्री अछि ताले 20 हिजबो sin 20 डिग्री बाय तले भी अछि sin 20 डिग्री प्लस सेमति cos 90 - थीटा इक्वल कोन cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल sin थीटा ताले एटा आइबो कोन sin 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेटा केते हो 35 डिग्री इनटू cosec 35 डिग्री जेमति के सेमति थाओ cosec 35 डिग्री होल डिवाइडेड बाय वर्तमान हम देखिबा 10 5 डिग्री सेमति को सेमति थाओ इनटू 10 25 डिग्री भी सेमती थाओ इंटू ए दुईटा हम 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा इक्वल कौन कट थीटा से फर्मूला लगे यहाँ ताहले केते कट 25 डिग्री इंटू सेटा आमर कट 5 डिग्री लगे ना निहाती तुम बुझिपार देख ए sin 20 डिग्री बाय sin 20 डिग्री ए दुईटा कटिगला अर्थात केते रहला 1 प्लस sin 35 डिग्री इंटू कोसेक 35 डिग्री sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वाल सर्वप्रथम आम पढ़ीलू व्युत्क्रम संपर्क में sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वाल 1 से हिसाब से sin 35 डिग्री इंटू कोसेक 35 डिग्री इक्वाल के 1 होल डिवाइडेड बाय ये 10 5 डिग्री इंटू कट 5 डिग्री ये दुईटा देख 10 5 डिग्री इंटू कट 5 डिग्री कौन हे 10 थीटा इंटू कट थीटा इक्वाल 1 इंटू ये दुईटा मिसे दियो बर्तमान ये दुईटा को देख बर्तमान ये दुईटा कौन अच्छी 10 25 डिग्री इंटू कट 25 डिग्री 10 थीटा इंटू कट थीटा 10 थीटा इंटू कट थीटा इक्वल के 1 ठीक अच्छे ताले दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 1 रहा ताले 1 प्लस 1 बाय 1 कर लेके 1 ताले 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 है यार आंसर तो यहीपर भाव में आम या समाधान करी पारिले ठीक अच्छे परवर्ती उदाहरण बुझा उदाहरण नंबर 3 दिखाई दर्शाओ जे 3 sin 62 डिग्री बाय cos 28 डिग्री माइनस कोसेक सेक 42 डिग्री बाय कोसेक 48 डिग्री इक्वाल टू अर्थात यहाँ आमको प्रमाण करार अच्छी दर्शाइबार अच्छी गोटे लेफ्ट साइड आउ गोटे राइट साइड लेफ्ट साइड को नहीं आम राइट साइड रो उत्तरटी बाहर करवा ठीक अच्छे ताल देख सर्वप्रथम मुझे लेफ्ट साइडटा नहीं जाऊँगी तो सर्वप्रथम मुझे लिखुची LHS समाधान करुचे तो बर्तमान देख लेफ्ट हैंड साइड बा बाम पार्श्व कौन देटा मुझे लिखिदी 3 sin 62 डिग्री बाय cos 28 डिग्री माइनस sec 42 डिग्री बाय cosec 48 डिग्री ए भितर आम जाना कथा देख ए दुईटी मिसाइले 90 होची दुईटी मिसाइले 90 होची ताले दुईटा भितर गोटे गोटे चेंज करो एटा चेंज करो न हेले एटा एटा चेंज करो न हेले एटा ठीक अछि गोटे गोटे से सेम फार्मूला रे सब होची एठो रहला sin हमें 90 - थीटा अप्लाई करि परिबा एठी जदी करिबा cos 90 - थीटा अप्लाई करि परिबा एठी करले sec 90 - थीटा एठी करले कोसेक 90 माइनस थीटा रा फॉर्मूला अप्लाई करे पारिबा। ठीक अछि ताले मु ऊपर ऊपरटा चेंज कर दोछि तलटा थाउ। ठीक अछि ताले 3 * वर्तमान देखो sin 62 डिग्री कोण लिखिबा 90 - 28 डिग्री लिखि पारिबा। ठीक पारिबे 90 रो 28 काट तो 10 रो 8 गला 2 आउठी 8 रो 2 गला 6 रहिला सेमते एटा जेमते को सेमते हो cos 28 डिग्री माइनस एटा होला sec वर्तमान देखो sec 90 माइनस केते करबा 48 डिग्री 90 रो 48 कटला माने केतेला 42 हम जानु छु ताले एटा होला cosec 48 डिग्री। ठीक अछि दैट इंप्लाय 3 into एटा देखो sin 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ताले cos थीटा यार केते अछि 28 cos 28 डिग्री बाय तले भी से रहला cos 28 डिग्री माइनस sec 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा इक्वल कोन cosec थीटा ताहले एटा हिजिबो हमरो cosec 48 डिग्री बाय तले भी रहला से cosec cosec 48 डिग्री। तो देखो ऊपर तल समान कटला एटा भी कटला। ठीक अछि ताले 3 * एटा रहला 1 माइनस से तार वैल्यू भी हला 1 कटला अर्थात 3 1 3 माइनस 1 दैट इक्वल 3 रे कटला आले केतला 2 एटा भरला हमरो कोन दैट इक्वल डाहन पार्श्व बाहरी गला ताले आर एच एस राइट हैंड साइड ता हमरो बाहरी पडला ए हिसाब रे। तो अतएव देयरफॉर एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूव्ड प्रमाणित तो हे गला। बुझि पारला कि नाही केते सहज रही गला। ता परवर्ती नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4 थारे हमें देखिबा त्रिकोणमितिर नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 रे कोन अछि दैछि यदि ए ओ बी प्रत्येक सूक्ष्म कोण एवं sin a = cos b होय तबे प्रमाण करे जे a + b = 90। तो एहि परे हमें अनेक गुडे उदाहरण करि आछिउ आ से उदाहरण गुडी को हमें जदि सहज रे एवं अति सुंदर भाव रे बुझिचु ताले वीडियो टाकु टिके लाइक करंतु। नेक्स्ट आमे देखिबा ताहले उदाहरण 4 रे दियाछि जदि ए ओ बी प्रत्येक सूक्ष्म गुण एवं ए sin a = cos b सेटा हमकु दियाछि याकु नै याकु बाहर करिवार अछि जहा दिया जायछि ताकु नै याकु बाहर करिवा। ठीक अछि ताले इथि कोन दियाछि ए आ बी प्रत्येक सूक्ष्म कोण सपोज ए सूक्ष्म कोण हला समाधान करू छी सपोज कोण करला ए सूक्ष्म कोण बोली कोन कोण ए सूक्ष्म कोण दिया जायछि हां सूक्ष्म कोण हेतु जदि देखो एपट रे कोण दिया छि इमति गोटे त्रिभुज दिया छि तो ए कोण जदि सपोज एटा ए हे गला एटा बी एटा सी हला ए कोण थीटा हला ताले ए कोणटा केते होय 90 माइनस थीटा कारण ए दुए मिसी कोण होंती सूक्ष्म कोण होंती सूक्ष्म अर्थात ए दुईटा परस्पर मिसी केते 90 डिग्री अर्थात गोटे 90 हला ताले गोटे थीटा हला गोटे 90 माइनस थीटा ए दुईटा सूक्ष्म कोण कोण हेबे परस्पर अनुरूप हेबे हम जानिछु। तो देखो एठार जदि आमे कहिबा ए माने परस्पर सूक्ष्म कोण दुइटी रे आमे देखिबा जदि कोण ए सूक्ष्म कोण हला ताहले 90 माइनस ए मध्ये गोटे कोण हेबो सूक्ष्म कोण हेबो 90 माइनस ए मध्ये सूक्ष्म कोण हेबो से मध्ये हेबो हमरो सूक्ष्म कोण निहाते। ठीक अछि ए सूक्ष्म कोण हला ताहले ए 90 माइनस ए मध्य कोण हेबो सूक्ष्म कोण हेबो। जदि 90 माइनस ए सूक्ष्म कोण हैला ताले वर्तमान हम ए क्षेत्र रे कोण प्रयोज्य छि जहां हमकु दिया छि सेतु बाहर करबा दिया छि sin a = cos b या को ने जो दत्त अछि हमकु दत्त अछि जे कोण दिया छि sin a = cos b सेमते b को नेले बे एठी चलिबो कोण बी सूक्ष्म कोण हेतु 90 माइनस बी एक मध्य सूक्ष्म कोण एमती हे पारिबो। ठीक अछि ताले वर्तमान देखो दिया जाय छि sin a = cos b एथिरु नै हमें बाहर करबा a + b = 90 तमे आइदर sin को चेंज करबा नहले cos चेंज करबा एठी a नै छे ताले sin a को चेंज करबा हम जान छे sin a अर्थात sin थीटा कार वैल्यू हमें 90 माइनस थीटा देखबा cos 90 माइनस थीटा = sin थीटा बा sin 90 - थीटा = cos थीटा ए टाइप हे परबो एप्ला किंतु वर्तमान ए नै छे ताहले जणिबा cos 90 - थीटा = sin थीटा से फार्मूला अप्लाई करछि दैट इंप्लाई ए जगह रे मु कोन करछि cos apply करछि cos 90 minus a cos 90 minus theta equal sin theta formula टा apply हला that imply cos b टा रहुछि कोन cos b को cos b रहि जाओ ठीक अछि that imply दा ए पटे भी cos रहला से पटे भी cos रहला cos को काटो वर्तमान 90 minus a आउ से आडे रहला b 90 minus a equal भी कहीं के इटा कले कारण यार वैल्यू जहां यार वैल्यू भी ता तणु cos cos को उठै दे दुटा तो समान हेबे आओ वर्तमान दैट इंप्लाय वर्तमान a को से पटे नै होछि ताले 90 इक्वल a से पटे गेल कोन हेबा माइनस टा प्लस गेल प्लस b दैट इंप्लाय a प्लस b इक्वल 90 डिग्री प्रमाण हैला कि नै ताले इटा लेफ्ट हैंड साइड इटा राइट हैंड साइड दैट इंप्लाय LHS equal RHS proved तो यही परि भाबरे आमे अति सुंदर भाबरे एठारे कोन कले प्रमाण करी पारिले ठीक अछि एही परि आमे पढन को पई अनेक गुडे नूतन नूतन सुंदर सुंदर वीडियो आमे आणतिबो तेनु आम चैनल सको टिके लाइक करंतु एते सुंदर कंटेंट चालिस जेते बेले निहाती गोटे लाइक दरकार अछि ता परवर्ती आमे देखिबा उदाहरण नंबर 5 प्रश्नटा नै आछे उदाहरण नंबर 5 सरल कर 1 plus sec 180 degree minus a by 1 plus sec 90 degree plus a into 1 minus cosec a whole divided by 1 minus sec a एही परि हमर प्रश्नटा रहछि ए प्रश्नर समाधानटा हम करबा वर्तमान देखो प्रश्नर समाधान जते बेले करू छी प्रश्न तो दिया छी माउथरे प्रश्न लिखु नाही ताले समाधानटा करू छी डायरेक्ट इक्वल ताहले प्रश्नटा एठी अछि तो वर्तमान देखो 180 minus theta और 90 plus theta रो फार्मूला हमें जानि छी कि नहीं जदि न जानि छी एठी फार्मूला आसु छी देखो देखो एठी हमें जानि छी जे sec 180 degree minus theta sec 180 degree minus theta इक्वल कोन minus sec theta हमें जानि छी आउ sec 90 plus theta इक्वल कोन cosec theta जानि छी कि नहीं ठीक अछि ताहले देखो सेटा माइनस cosec थीटा हबो ता पर समाधान करू छी समाधान करला बेले देखिबा जेटा कोन रहला 1 plus sec 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कोन माइनस sec थीटा जारे कोन अछि ए होल डिवाइडेड बाय 1 plus एटा भी रहला sec 90 plus थीटा इक्वल कोन माइनस cosec थीटा हम फार्मूलाटा पूरा जानि छी निहाती जानि छी जानि छी नै पूरा फार्मूला माने अछि से हिसाबे हम करि परबा 1 माइनस एपटे जति कि सेति सेति रहो cosec a बाय 1 माइनस sec a एई परि भाबरे हमें फार्मूलाटा अप्लाई करले दैट्स इक्वल वर्तमान प्लस माइनस कोन हेबो माइनस sec a बाय एटा प्लस माइनस माइनस 1 माइनस cosec a होल इनटू 1 माइनस cosec a बाय 1 माइनस sec a ठीक है जी देखो एटा हला 1 minus sec a एपटे भी 1 minus sec a ताले एटा कोन ला कटला cosec 1 minus cosec a 1 minus cosec a एटा भी कटला ठीक है जी ताले हमर संपूर्ण भाव रे कटि गला अर्थात कित रहइबो 1 दैट इक्वल 1 ताले यार मूल्य केते गला 1 यार मूल्य भी 1 यार मूल्य भी 1 1 into 1 1 ठीक अछि ताले एई परे हम जानले भेलुटा केते बाहरला एटा हे गला हमर आंसर तो एई परि भाबरे हमें टोटल 5 टी उदाहरण आज एठारे हमें पढिले ता परवर्ती आ उदाहरण छि 6 7 8 9 ता आ गुटे क्लास रे हमें करबा आज पई एति कि थाउ ताहले एही परि हमें सुंदर सुंदर कंटेंट गुडी को आपण मान पई नै आसीबो सब किछि जहार 10 श्रेणी रो टोटल चैप्टर ता हम एठारे सरेबो तुमे आम प्रति पूरा टोटली डिपेंडेंट हे परिबा अन्य कोनोसी एठारे डिपेंडेंट हेबाक पड़िबा नै आम ठारे डिपेंडेंट होंतु आम वीडियो टाकू पूरा संपूर्ण भाव रे देखंतु एवं शेष जाय देखंतु एही परि देखुथांतु एवं हमर चैनल टाकू लाइक कमेंट्स आउ शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन को दबाइ देंतु धन्यवाद।